बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे और उनके करीबियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। आज पुलिस ने ऐनुद्दीनपुर से पकड़े गए दो लोगों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। अतीक अहमद के बेटे अली पर मुकदमा दर्ज कराने वाले चकिया निवासी जिशान उर्फ जानू का कहना है कि अली ने अतीक अहमद से बात कराकर या तो जमीन उनके नाम करने या फिर 5 करोड़ रुपए देने को कहा था और ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। जिशान के मुताबिक इलाके में अतीक के खौफ के कारण कोई काम धंधा नहीं कर पा रहा है। बैठे हुए थे और ये लोग आए अचानक 3 गाड़ियों से। अतीक अहमद का लड़का अली, उसने पिस्टल निकाली जो मेरे सर पे सटा दी। उसने मुझे गालियां देने शुरू करी। उसने कहा हेलो अब्बा से बात करो। हाँ, तो मैं डर गया, स्पीकर ऑन करके वो बोलने लगे, अबे या तू ये ज़मीन लिख दे और नहीं 5 करोड़ रुपए अभी तत्काल चाहिए। तो मैं उसमें मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उधर से वो बोलते हैं अली मारो सालों को। तो उसमें आसाद खचोली, संजय गुड्डू, क्या नाम है सैफ अली, सब मारने लगे। हम लोग हमारे परे 5-6 लोग बैठे थे, मैं किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागा। ये लोग खटाखट गोलियाँ चलाने लगे। मैं वहाँ से क्यों मांगे जा रहे हैं, क्या पैसे मांगे जा रहे हैं? सर वहाँ पे जितने भी आसपास इनकी ज़मीनें हैं कीमती, उनको कहते हैं या तो पैसे दो या तो ज़मीन दे दो। तो आदमी डर के अपनी या ज़मीन लिख देता है सर, या तो फिर जो है घर छोड़ के चला जाता है। इस समय 2-2 GCB 3 लगी रहती है। ये लोग 2 GCB लेके आए थे, मेरे पूरे घर को गिरा दिया गया, मेरी पूरी बाउंड्री गिरा दी गई। फुल्लू नाम का व्यक्ति जो उसमें बहुत कह रहा था कि आप भाई तो का पूरे घर भर का मरवाए देंगे। उसके बाद जब मैं भागा वहाँ से, पुलिस लेके आया, मैं गया थाने से इंस्पेक्टर साहब को बताया। वो जब तक आए वो लोग मारपीट कर ही रहे थे। वहाँ पे मौके पे 2 लोग पकड़ गए, गाड़ी से भाग रहे थे, जिसकी पूरी वीडियो भी मेरे पास है। उसके बाद जो है वहाँ पे 2 लोग पकड़ गए। करेली के अनुद्दीनपुर में जिशान की ज़मीन पर अतीक के बेटे और उनके आदमियों द्वारा जमीन कब्जे का मामला सामने आने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कुछ दिनों पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम अपनी पुश्तैनी जमीन गरीबों के घर बनाने के लिए देंगे। उस पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को आज कटाक्ष करने का मौका मिला और उन्होंने तुरंत ही कहा कि जब अतीक अहमद का बेटा अपने रिश्तेदार के सर पर पिस्टल तान कर जमीन कब्जा कर रहा, वो गरीबों को क्या घर देगा, समझा जा सकता है। अतीक अहमद एंड कंपनी के अवैध कब्जे किए हुए जो ज़मीनें थीं उस पे जब बुलडोज़र चलाया और ऐतिहासिक कार्य किया जिस पे उन्होंने 75 आवास, गरीब आवास बनाए हैं और उसकी भूमि पूजा करी, उसके बाद जो उनके परिवार के लोग हैं उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करी और कहा कि ये हम गरीबों का काम करते हैं और गरीबों को घर देते हैं, शरण देते हैं, हम लोग कब्जा नहीं करते। और उनकी वो पोल 3-4 दिन में खुल गई और कल ही जो उन्हीं के लोग हैं, एक दूसरे के परिवार के हैं, उन्हीं को कल रंगदारी के केस में उनके बेटे को भी और उसके साथ कुछ लोगों को FIR दर्ज हुई है और उसका वीडियो भी सामने आया है। अब मैं पूछना चाहता हूं जो जेल में है और जो उनके परिवार के हैं कि कौन से गरीब की लिए आप वो जमीन ले रहे थे या आप कब्जा नहीं करते और किस बात पे पिस्टल निकाल के लोगों को धमकाया नहीं जाता। जब आप अपने परिवार के लोगों के साथ ये कर सकते हो तो जनता के साथ क्या करोगे, इसका जवाब देना चाहिए अतीक एंड कंपनी को। पिछले 5 से 6 सालों में अतीक अहमद के करीबी ही अतीक अहमद के दुश्मन बने हैं और जिस जिशान के साथ ये घटना हुई वो भी अतीक अहमद के साड़ू इमरान जही का भाई है। रिश्तेदार से ज़मीन का विवाद और फिर FIR होने से गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऊपर से चुनाव का माहौल होने से उनके विरोधी भी इस मामले को कैश कराने में जुट गए हैं।